तो स्वागत है भाई सभी का नए दिन नए व्लॉग में। आई होप कल का व्लॉग देखा होगा और मजा भी आया होगा। अभी कहाँ जा रहे हैं भाई? सबसे पहले तो अपना सुबह का वक्त हो रहा है और जरा जिम जा रहे हैं। तो देखो भाई ऑलमोस्ट चलते चलते तो पहुँच गए हैं। अपना ऊपर जाने पहले अपना क्रॉसफिट का जो सेक्शन है वहाँ वर्कआउट चालू करते हैं और फिर आज अपना डे वन भी है तो वो भी उसके बाद करेंगे। तो जरा वर्कआउट का सेशन निपटा लें उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो भाई फाइनली अपना वर्कआउट भी कम्प्लीट हो चुका है। तो पहले तो भाई जरा घर चलते हैं रूम पे। ये देखो क्या चमकती धूप भी निकली हुई है भाई एकदम। तो घर तो भाई पहुंच चुके हैं हम जरा। और अपना जो पोस्ट वर्कआउट मील भी कह सकते हैं अपनी हाई प्रोटीन स्मूदी भाई, इसमें दूध और केला भी मिला हुआ है, अपना प्रोटीन भी मिला हुआ है। तो भाई इसे ज़रा पीते हैं क्योंकि भूख तो थोड़ी लग रही है। थोड़ा रेडी होते हैं और उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो अपना ब्रेक तो लिए, तैयार भी दिख सकता ही है, थोड़ा वो तो चुके हैं। और अगर आज के बारे में एक चीज़ बताई जाए तो सोच रहे हैं भाई अपना जो जर्मनी जाने से पहले थोड़ा शॉपिंग का काम है वो आज थोड़ा शुरू करते हैं, कुछ कुछ सामान जो हमें लेने हैं, क्योंकि अभी हमारे पास वैसे ठीक ठाक समय है अभी जाने में। लेकिन बात यह है कि थोड़ा सा अपना जो सामान ले के रखेंगे और थोड़ा देखने भी निकलेंगे तो आइडिया लगेगा और थोड़ा ठीक भी रहेगा। और अभी वैसे ऑलमोस्ट 12:30 के आसपास का समय हो रहा है तो अपना जो दिन का मील है पहले तो ज़रा वो खा लेते हैं। तो ये देखो भाई अपनी राजमा भिंडी राइस रोटी और दही स्पाइस ऑफ क्वार्क जैसी तैयार है। तो इसे ज़रा निपटाते हैं और जैसा बताया कि जो शॉपिंग का काम करना है शुरू वो भी शाम के समय उसके लिए निकलेंगे। पर हाँ एक चीज़ और है कि उसके लिए आइडिया लगने के लिए कि क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं उसके लिए भी भाई थोड़ा बैठेंगे खाना खाने के बाद, तो तब बात करते हैं। तो भाई अपना खाना हुआ, थोड़ा ब्रेक लिए और अब सोच रहे हैं जैसा बताए कि एक बार नोट डाउन कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम ले सकते हैं और लेनी चाहिए, राइट, जो प्रायोरिटी पे रह सकती हैं। तो वही सोच रहे हैं अपनी एक मे बी नोट्स में भी लिख सकते हैं या एक्सेल शीट में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि कुछ रॉ मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें हो गई, हालांकि क्या क्या चीज़ें मैं ले जाने वाला हूं या ले जाऊंगा उसके बारे में जब पैकिंग करेंगे उस वाले ब्लॉग में बात करेंगे। अगर कुछ आइडिया लेना है तो जो पिछले पैकिंग के ब्लॉग्स हैं जिसमें हम पैकिंग करके जर्मनी गए हैं वो वाले ब्लॉग्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो वो देख सकते हो तब तक। बट हाँ कुछ अपडेटेड सामान तो रहता है, कुछ चीज़ें जो दिमाग में है तो उनको ही सोच रहे हैं पहले ज़रा नोट डाउन कर लिया जाए। फाइनली भाई अपना एक बार नोट डाउन तो थोड़ा कर लिए हैं जो टेंटेटिव सामान हमें लेना है। हालांकि अभी थोड़ी देर में शाम के वक्त जब हम अपना सामान लेने या ढूंढने निकलेंगे तो बताते जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं दिमाग में। और अभी थोड़ा यहाँ बाहर वॉक करने आए हैं। एक चीज़ अगर और बताई जाए तो अभी ना जब लिस्ट बनाई तो उसके बाद ना जो ट्रेन की टिकट है अपनी जो फ्लाइट पहुँचेगी फ्रैंकफर्ट तो वहाँ से अपने को ट्रेन से जाना होगा मैनहाइम तक और उसके बाद अपना दूसरी ट्रेन लेनी होगी। तो भाई फ्रैंकफर्ट से मैनहाइम की भी जो टिकट है वो भी बुक करी अभी बैठ के थोड़े टाइम के अंदाजे के हिसाब से तो सही है, पहले से बुक करा लो। 17.9 यूरो के आसपास की भाई वो टिकट पड़ी। हालांकि जब ट्रैवल करेंगे तब भी बताएंगे और ट्राई करेंगे बातचीत करने का, अपना सफ़र दिखाने का भी। बट हाँ टिकट भी अपनी थोड़ी बुक तो हो चुकी है भाई। और कौन सी ऐप से टिकट बुक करी है भाई? डॉयचे बान करके ऐप है, उससे टिकट बुक करी है। ट्रांसपोर्टेशन की प्लेलिस्ट में जाके भी वीडियोस देख सकते हो अलग अलग ऐप्स के अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स के बारे में। हालांकि डॉयचे बान ऐप का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या उससे रिलेटेड वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो वो भी देख सकते हो। अलग अलग प्लेलिस्ट में जाके भी अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियोज़ देख सकते हो। भाई बढ़िया चमकती धूप निकली हुई है, हम भी जब शॉपिंग के लिए निकलेंगे तो आगे की बातचीत करेंगे। तो वॉक तो किए अपना और शाम का मील भी खाए और अपना ये जो अटैची भाई ये लेके अब अपना मार्केट का जो काम है और जो शॉपिंग का काम है वो शुरू करने चलते हैं। ये देखो याद होगा भाई लाते वक्त इसका जो टायर था वो एक घिस गया था तो इसको भी थोड़ा बनवाने के लिए देना है तो इसको भी लेके चलते हैं पहले तो। और भाई अब चलते हैं अपना मार्केट। तो वैसे अपनी जो लिस्ट बनाई है उसमें सोच रहे हैं सबसे पहले अपने कुछ मसाले ले सकते हैं जो डेली अपने यूज में आते हैं तो उनसे लेना चालू करते हैं। और अपनी जैसा अपना अटैची उठाई तो वो भी देने जाएंगे ही, तो वन बाय वन एक एक करके अपना जो काम है वो शुरू करते हैं और फिर दिखाते भी रहते हैं। सामने देखो क्या बढ़िया सूरज ऐसे बादलों के बीच दिख रहा है ना, वही तो एकदम अच्छा लग रहा है सुंदर जैसे कोई थाली में। हाँ बढ़िया। तो भैया अपने पहले स्पॉट पे तो आ गए हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है न्यू इंदौर से भंडार जरा यहाँ पे। यहाँ चल के पहले अपने मसाले वसाले के भी पैकेट देखते हैं। ये देखो इधर भाई अंदर से ऐसी यहाँ शॉप दिखती हुई बढ़िया, यहाँ अलग अलग राशन पानी का सामान भी दिख सकता है अपना जो भी यहाँ से मैं ले चुका हूँ वैसे कुछ कुछ बार यहीं से लेता हूँ। ये देखो यहाँ सामने हमारे अलग अलग प्रकार के मसालों के पैकेट, एवरेस्ट के भी और डिफरेंट डिफरेंट कैच के भी, तो बढ़िया है।
यहाँ जरा देखते हैं क्या क्या लेना है हमको। ये देखो यहाँ पे अभी कुछ कुछ हमें गरम मसाला के पैकेट तो लिए हैं अपना, यहाँ ब्लैक पेपर भी है, कुछ छोले मसाले के भी पैकेट, थोड़ा एक्सपायरी भी देखते जा रहे हैं इसका ठीक ठाक डेट दिखे भाई। कुछ यहाँ से डब्बियों में भी रखे हुए हैं जैसे ये कोरिएंडर पाउडर। देखो भाई यहाँ ऐसे चने भुने हुए भी रखे हुए हैं, अलग अलग आइटम हम थोड़ा देखते जा रहे हैं, देख के तो बढ़िया लग ही रहा है वैसे भी। यहाँ पे तेज पत्ता भी यहाँ है ना, ये भी काम आ सकता है अपने, तेज पत्ता एक रख लेते हैं। और अपना भाई राजमा मसाला भी मिल चुका है बढ़िया। यहाँ देखो भाई यहाँ से भी हमने थोड़ा राजमा छोले और काले चने के भी पैकेट लिए हैं यहाँ टाटा संपन्न के, और थोड़े घी के डब्बे भी भाई यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ से भाई थोड़े अपने ड्राई फ्रूट्स भी अभी देखे हैं लेने के लिए, ये देखो यहाँ रखे हुए हैं जैसे कुछ ऐसे ओपन पैकेट्स में भी और यहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स के भी। भाई फाइनली हमारा यहाँ से कुछ मसालों का और अपना कॉफ़ी का पैकेट भी मिला था तो वो भी रख लिए हैं भाई। तो ये वाला काम तो चलो अपना इंदौर से भंडार से हुआ, तो अब चलते हैं अपने ABC वाले के यहाँ। क्यों, लाइटें भी चालू हो चुकी हैं, शाम का समय तो हो ही गया। तो यहाँ भाई हम आ चुके हैं ABC सुपरमार्केट, देखो जहाँ दिखता हुआ, यहाँ भी चल के थोड़ा अपना सामान लेना है। यहाँ ऊपर चलते हैं पहले, ये देखो भाई यहाँ भी कुछ सामान अपना ऐसे रखा हुआ है, पूरा सेक्शन बना हुआ है और बढ़िया। यहाँ अपनी गुजराती पापड़ी भी रखी हुई है भाई, रतलामी सेब नमकीन। देखो यहाँ आके थोड़ा अपना शेविंग फोम का जो सामान है वो भी ले सकते हैं। यहाँ आके हमने ज़रा अपना थोड़ा शेविंग ब्लेड भी लिया है भाई, वाली फोम भी सही लग रही है, डाल लेता हूँ। ये अपने बड़े यहाँ मीठे आइटम दिखते हुए, क्यों यहाँ पे चटक पटक आइटम्स, गोलियाँ भी, ये देखो राम लड्डू। तो यहाँ से तो सामान देखे भाई, अब ज़रा नीचे चलते हैं। और ये भी थोड़ा मैं देख रहा था भाई, ये देखो जैसे यहाँ पे कुछ डब्बे बनाना चिप्स के, चना चूर के, और यहाँ ऐसे अपने अपने हिसाब से अलग अलग नमकीन भी पैक कराई जा सकती है अगर इंटरेस्ट हो तो भाई, ये देखने के लिए अभी थोड़ा। और यहाँ पे भी भाई ज़रा ये देखो अपने चने, तीखे चने, मीडियम तीखे चने, बनाना चिप्स अलग अलग यहाँ पे भी रखे हुए हैं भाई पैकेट्स, तो ये भी ले सकते हैं, इनमें से कुछ कुछ तो अभी हमने लिए हैं। तो भाई फाइनली हमने यहाँ से भी अपना थोड़ा बहुत सामान तो ले लिया है, तो यहाँ से भी अपना काम थोड़ा ख़त्म तो हुआ है। और देखो थोड़ा थोड़ा रात्रि का समय भी भाई हो रहा है यहाँ पे अपना मार्केट का ये एरिया। और अभी हम अपना भाई शिल्पी प्लाजा के कह सकते हैं बीच में हैं। ये देखो यहाँ पे अपनी शिल्पी प्लाजा की बिल्डिंग्स भी दिखती हुई भाई, ये तो अपना अटैची लेके भी आ चुके हैं भाई, यहाँ जो अटैची देनी है। देखो यहाँ शॉप में पहले तो भाई पीछे अपनी अटैची तो दे दी उन्होंने, कहा इसका व्हील तो रिप्लेस हो जाएगा, वो कंपनी से मंगाना पड़ेगा तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। तो चलो सही, अपना काम था भाई थोड़ा देना तो दे तो चुके हैं। तो अपना शिल्पी प्लाजा के सेक्शन में जितना काम था वो तो थोड़ा बहुत हुआ। अब हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कहेंगे उस एरिया को, तो बरा करके एरिया का नाम है, तो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे भी थोड़ा अभी काम है। तो थोड़े अपने शॉर्ट्स देखने हैं वैसे, तो देखो यहाँ आए हैं अपना ये बरा का एरिया कह सकते हैं, तो देख लेते हैं चल के पहले अपना थोड़ा शॉर्ट्स वाला काम भी हुआ भाई, यहाँ जाके थोड़ा लेना था, और अब आगे चलते हैं थोड़ा भाई। वैसे इन दुकानों पर भी आए हैं अपना, बस कुछ सामान यहाँ देखना है, सोच रहे जरा एक बार शूज़ भी देख लेते हैं अगर कुछ दिखता है तो भाई थोड़ा चल के ढूंढे तो अपना। और देखते देखते भाई हम अपना घर भी पहुँच चुके हैं, पहले तो ज़रा अंदर चलते हैं। तो हमारे साथ साथ भाई थोड़ा देखा ही होगा, आइडिया लगा होगा कि हमारा जो राशन पानी का जो सामान है उसका तो थोड़ा काम हो गया है, क्योंकि क्या क्या मसाले ले जाने होते हैं, क्या क्या अपना रॉ मटेरियल में पैकेट, फॉर एग्जांपल राजमा काले चने के पैकेट हम रख लेते हैं भाई, क्योंकि अपने पास ठीक ठाक स्पेस तो है ले जाने के लिए, तो उतना रॉ मटेरियल का सामान तो हमने जुगाड़ा मतलब चल के लिया। और उसके अलावा अपनी जो अटैची है वो दे के आए, और हालांकि देखते हैं अभी उसमें पता लगेगा कितना समय लगेगा, नहीं तो देखेंगे अगर कोई और बैगेज लेना होगा। अपना जो शॉपिंग का काम है वो शुरू तो हुआ है, जैसे चश्मे का था काम जो है वो भी देख लेंगे, क्योंकि उसमें जाके अपना आई टेस्ट तो करा लिए हैं और नंबर अपना बदला है नहीं, तो चश्मा भी अपना कभी जाके कुछ ग्लास चेंज कराने को तो वो तो आई थिंक हो ही जाएगा। और बाकी अपना जूता देखने गए थे, उसका भी भाई साइज़ का थोड़ा चक्कर था, साइज़ का आगे पीछे था, तो वो भी पता करके बताएंगे कि अगर अवेलेबल होता है तो वो ले लेंगे। बट हाँ, अपना कुछ काम जो प्रायोरिटी पे था, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल का, और कुछ जो अपने आइटम हम यहीं से ले जाते हैं कुछ जो, तो उनको चल के रखे तो हैं। और थोड़ा ना एक वेट का भी अंदाज़ा लग जाता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल किसी का 1 किलो का या 250 ग्राम का पैकेट रखा है, तो थोड़ा वो एडअप भी करते रहना पड़ता है ताकि आइडिया लगता रहे, क्योंकि अपना सामान का भी कैपेसिटी है, लिमिट है कि भाई कितना सामान हम फ्लाइट में ले जा सकते हैं। तो उस हिसाब से भाई ठीक ठाक सामान तो लाए, और जैसा अपना
ब्लेड भी लिए चल के, जो शेविंग ब्लेड था वो भी लिए, क्योंकि वो भाई एक बार ले लो, मतलब दो चार ब्लेड ले लो तो वो ठीक ठाक समय तक आगे चल जाते हैं। और बाकी अपना कुछ शॉर्ट्स देखने थे तो वो भी भाई अपने कुछ साइज के मिले तो वो देखे। तो अपनी शुरुआत तो बढ़िया भाई हो गई है। और भाई अपना जो एक्सेल शीट बनाई थी जिसमें कुछ आइटम्स लिखे थे वो भी सोचे, उनमें से अपने जो सामान है वो भी हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, और ठीक ठाक सामान अपना आ ही चुका है तो बढ़िया है। और चलते हैं भाई थोड़ा बाहर अपना जरा वॉक करने। ये देखो भाई बाहर जरा रात्रि का समय तो हो रहा है, ज्ञान स्थली विद्यालय भी लिखा हुआ, और सोच रहे हैं जरा यहीं एक राउंड काटते हैं। ये देखो भाई कुछ इस तरीके का भी यहाँ का माहौल। तो भाई चल चल के अपना ऑलमोस्ट राउंड तो कम्प्लीट होने ही वाला है। बीच में कुत्ते उत्ते भौंकने लगे थे यार, पर सही है, चलो अपना आ तो चुके हैं घर। और भाई अपना थोड़ा मील भी तैयार है, आलू बीन्स की सब्जी, और भाई यहाँ थोड़ा पनीर का पराठा ठीक ठाक समय बाद, तो इसे ज़रा खाते हैं, थोड़ी भूख लग रही है, अपना मील भी हो जाएगा। भाई वैसे बढ़िया बना एकदम, तो इसे ज़रा खा ही लेते हैं। तो मील तो अपना खाए, और भाई अब सोचते हैं थोड़ी देर में अपना आराम करते हैं। तो आई होप आज का व्लॉग देख के मज़ा आया होगा। अपना जर्मनी जाने से पहले जो शॉपिंग का काम है वो शुरू तो हुआ है, ठीक ठाक सामान अपना ले आए, थोड़ा दिखा भी होगा कैसे शॉप दिखता है, आइडिया लगा होगा, और क्या क्या सामान हमने लिए उसका भी थोड़ा झलक दिखा होगा। और जैसा बताया जब पैकिंग करेंगे तो पैकिंग के मुद्दे के भी बारे में ट्राई करेंगे बात करने का। अभी के लिए तब तक अलग अलग प्लेलिस्ट में जाके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियोस देख सकते हो, और जैसा बताया जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डले होंगे वो भी जाके देख सकते हो। तो नए दिन नए ब्लॉग में मिलते हैं, बाकी तो पता ही है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा टाइम लगता नहीं। बाय बाय, चाओ चाओ, नमस्ते, चलो।